टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और टीम के कप्तान एरॉन फिंच तीसरे ओवर में ही आउट हो गए। फिंच को भुवनेश्वर कुमार ने 6 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। वहीं फिंच के आउट होने के बाद कैरी और ख्वाजा के बीच दूसरे विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की गई। इस साझेदारी को तोड़ने का काम कुलदीप यादव ने किया। कुलदीप यादव ने 24 के स्कोर पर कैरी को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारत के कप्तान विराट कोहली भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। वहीं आपको बता दें, ख्वाजा और मार्श के बीच 50 से ज्यादा की साझेदारी हो गई है और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के पार हो गया, यानी ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत नजर आ रही है और ख्वाजा 39 रन पर तो मार्श 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा ऑस्ट्रेलिया टीम कितना लक्ष्य देती है। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। हेडलाइंस स्पोर्ट्स आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स।